Draw a labeled ray diagram to show the formation of image in an astronomical telescope for distant objects. We have done this, so we are not attempting now. पीछे आप क्वेश्चन देख सकते हैं टेलीस्कोप के, कई बार डायग्राम में आए. राइट थ्री डिस्टेंट एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर अ रिफ्रैक्टिंग टाइप. पहली एडवांटेज ये है कि हाई मैग्नीफिकेशन पावर मिलती है हमें पावर. दूसरी एडवांटेज है लार्ज लाइट गैदरिंग पावर. और तीसरी एडवांटेज है फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एबरेशंस. फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन बोलना चाहूँगा मैं, स्फेरिकल थोड़ा बहुत हो जाते हैं एबरेशन. तो ये तीन हैं हमारे पास. अब बी पार्ट देखते हैं. कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस लेते हैं क्योंकि उसका फोकस वर्चुअल होता है और दोनों के बीच में जो फासला है वो 5 का है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फाइंड द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंबाइंड सिस्टम. ओके, तो ये आपकी पहली लेंस आ गई. और 5 की ही दूरी पर मैं काफी कम डिस्टेंस रखूंगा क्योंकि बाकी स्केल डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएंगे. फिर ये इतना दूरी जो है वो 5 है. नो, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है. सो पहला हम इस सरफेस के लिए निकाल लें 1/f इज 1/v प्लस 1/u. कन्वेक्स लेंस 1/v प्लस और u कितना 30. सो 1/v इज 1/10 माइनस 1/30. 3 - 1 1/v एंड वी गेट 15 सेंटीमीटर. सो अब ये आया रे और ये 5 है. ओके, इतना 5 है तो 25 और आगे जाना था इसे, जा नहीं पाया वो अलग बात है क्योंकि कनकेव लेंस रास्ते में आ गई. सो वी आर 15 सेंटीमीटर पे. 5 इज गॉन एंड 10 इज लेफ्ट. थोड़ा सा मुझे चलो रफली का ज्यादा बना दिया, दोनों 30-30 लग रहे हैं लेकिन ये 10 होना चाहिए. ओके, तो अब कॉनकेव लेंस के लिए बनाएं. फॉर कॉनकेव लेंस 1/f इज 1/v प्लस 1/u माइनस 10. इमेज कहाँ बननी है और u हमारा कहाँ पर है, माइनस 10 पर है क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना ये. जब वर्चुअल होता है तो माइनस लेते हैं, माइनस 10. ओके, तो ये कैंसिल हो गया. तो 1/v क्या आ रहा है, 0. तो v क्या आया, इन्फिनिट. यानी कि यहाँ से आने के बाद जो रे है वो पैरेलल हो जाएगी. अगर यहाँ से भी हम बनाते तो जो रे है वो पैरेलल हो जाती. देखिए कई बार सॉल्व करना ज़रूरी होता है. इसे आप नॉर्मल भी कर सकते थे क्योंकि ये अल्टीमेटली दोनों रेज जाके इसके फोकस पे मीट कर रही थी तो पैरेलल तो होनी थी ना. कॉनकेव लेंस के फोकस मीट कर दी, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस 10 है, 10 पे जाके मीट कर रही थी तो ये तो पैरेलल होती. ये डायरेक्टली भी कह सकता था लेकिन ठीक है, सॉल्व कर लिया. मैंने भी नोटिस नहीं किया कि ये इसके फोकस पे जा रही थी, वो आंसर ने हमें बता दिया. ये सिंपल क्वेश्चन था.